उसके बाद गांव का नाम लिखा और ये मैच स्टार्ट हो चुका है। पहली रैंक इस अंक के साथ एक अंक लिया है। कौन सी टीम है जिसने खाता खोला है? बूढ़ा का। और दूसरी टीम क्या नाम है? भगवंतपुर। दोनों टीमों ने अपना अपना खाता खोल लिया है। एक अंक एक अंक। और बूढ़ा का दोनों ही टीमों के अंक समान एक एक। बूढ़ा का एक और भगवंत को एक। बहुत अच्छे बूढ़ा की ओर से रहे। ये भी मुकाबला बहुत संघर्ष पूर्ण रहेगा। दोनों ही टीमें अच्छी हैं अपने आप में और अंक समान एक एक। रेफरी महोदय अपने समय के अच्छे खिलाड़ी रहे। 10 साल का रेफरी से उनका अनुभव है और अभी अंक समान ही चल रहे हैं। बूढ़ा का एक और भगवंतपुर भी एक ना। ये बूढ़ा का इधर वाली भगवंतपुर। और देख लेना रेफरी महोदय कैच करने की कोशिश और ये पकड़े गए। खिलाड़ी को विसल बजते छोड़ दे। खिलाड़ी खेल की भावना से खेले। दो अंक भगवंतपुर बूढ़ा का एक अंक। खेल की भावना से खिलाड़ी खेले और एक अंक कॉल लिया भगवंतपुर ने। इसके साथ 3 अंक। नए रेटर गए बूढ़ा का की ओर से देखना है निकाल पाते हैं नहीं। ये क्या नाम है जो खाना ले रहे हैं? कौन सा गाँव है? और ये बहुत फुर्तीले रेफरी हमारे रेफरी की निगाहें बहुत ही खिलाड़ी को भी समझते ही छोड़ दे। इस मैच के बाद पलसेरा और कहलावन दोनों ही टीमें हाफ टाइम में कोर्ट के पीछे बैठ जाएंगी। अगर टीमें वहां पर हमें नहीं मिलती हैं तो इससे जो अगला मैच है वो है चांदपुर वर्सेस सारण। ये दोनों ही टीमें आ जाएंगी। ये भी तैयार रहे चांदपुर वर्सेस सारण। अगर पलसेरा और कहलावन नहीं आती है तो चांदपुर और सारण का मैच हो जाएगा। ये शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच भगवंतपुर और बूढ़ा का। एक अंक लिया भगवंतपुर ने अपने टीम के खाते में। बहुत अच्छे खिलाड़ी नंबर ले गए। संजीव उर्फ काका सरोफ हरवीर सिंह सरोफ ज्ञान सिंह बाबा जहां कहीं भी हमारी बात सुन रहे हो वो कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें। भगवंतपुर 8 अंक बूढ़ा का 1 अंक। और देखिए और एक और कैच। खिलाड़ी को विसल बजते छोड़ दे। चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें। खेल की भावना से खेल खेलें। भैया कोई टीम जाए नहीं लगातार चलेगा।
पूरी रात मैच, तो ये चीज भी ध्यान रखें। घोड़ा का एक अंक, बावन पर नौ, एक अंक और मिला इस अंक के साथ, बावन पर दस। जो भी टीमें बाहर से आई हैं, वो ये नोट कर लें कि जो टूर्नामेंट आपके बीच चल रहा है, ये लगातार जब तक कि फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि हम कहीं चले जाएं या थोड़ा सा सो जाएं कहीं पे, क्योंकि अगर आपका मैच निकलता है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, कमेटी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैच लगातार चलते रहेंगे इसी तरह से पूरी रात। और ये जो टीम एंट्री का जो टाइम हमने दिया था, इसमें हम अंतिम 15 मिनट दे रहे हैं। अगर 15 मिनट तक भी हमारे पास टीम एंट्री नहीं आती है, फिर हम टीम एंट्री लेना बंद कर देंगे और इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जिन्हें अपनी टीम एंट्री करानी है वो तुरंत अपनी एंट्री करा दें। बहुत अच्छे, भगवानपुर 12, घोड़ा का दो अंक, दो अंक और मिले 4 अंक। टाइम समय के अभी ध्यान रखें, रेफरी महोदय 10-10-2 ही रहने देना। बहुत अच्छे, और ये अंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई अंक नहीं, भगवानपुर 14, घोड़ा का 2 अंक। काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, सभी टीमें ध्यान रखें, 10 मिनट आपकी टीम एंट्री में रह गई है और ये टूर्नामेंट अब लगातार चलेगा, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। भगवानपुर 15, पलसेरा और कहलावन, ये दोनों ही टीमें तैयार हो जाएं, पलसेरा और कहलावन। देखिए खिलाड़ी को चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें। और एक और अंक 16। बस बस छोड़ दें, खेल की भावना से खेलें। एक अंक मिलेगा बुढ़ा का को, 3 अंक। देखने रहे पे महोदय, बुढ़ा का 4, भगवान पर 16। बहुत अच्छे, और ये शानदार एंकल होल्ड किया यहां पर। ये टाइम का भी ध्यान रखें, 17 भगवानपुर बुढ़ा का 4। बहुत अच्छे, और ये अंक लेने पूरी कोशिश,
एक अंक और मिला बुढ़ा का 5 अंक, भगवंतपुर 18 अंक। और ये हाफ समय 2 मिनट का ब्रेक।